का झूठा झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी दामाद ससुर को बसना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको बताएं कि बेरोजगार युवक ने सरकारी नौकरी का झूठा बोलकर शादी की थी और युवक ने पत्नी और ससुराल वालों को फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन की फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर धोखा किया। आरोपी पर पीड़िता और उसके परिजनों से 10,60,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप भी इस शख्स के ऊपर लगा है। आपको बताएं कि धोखाधड़ी का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर जालसाज पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर शादी की थी और शादी के बाद जो पोल है वो खुलती हुई नजर आई और 10,60,000 रुपए की धोखाधड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अपने आप को ऑफिसर बताया था और ऑफिसर बताने के बाद 10,60,000 रुपए इन बाप बेटों ने लिए और इसके बाद जब पता चला तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस इन्हें अब गिरफ्तार कर चुकी है। फिर बाद में पता चला कि वो उनका पीएससी का जो एग्जाम फाइट किए थे उसमें डीएसपी का पोस्ट में उनका चयन हो गया है, तो उनको वहाँ बड़े अधिकारियों को पैसा मुझे देना पड़ेगा करके करीबन 15 लाख रुपए का हमसे मांग किए। और मुझे बोला गया कि आप अपने घर में बोलो, आप अपने मायके वालों को बोलो कि हमको पैसा दें, तभी हमारा जिंदगी आगे कुशल मंगल रहेगा। और मुझको दिन ब दिन दबाव डालने लगे कि आप अपने घर में पैसा दो करके, तो वैसा कर करके टोटल हम लोग अभी तक 10,60,000 रुपए की राशि उनको दे चुके हैं। मुझे जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें, कड़ी से कड़ी कार्यवाही करके मुझे न्याय दिलाएं। आवेदिका श्रीमती योगिता साव ग्राम बंसुला निवासी के आवेदन पर थाना बसना में अपराध क्रमांक 416/22 धारा 420 467 468 506 34 12 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के आदेशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति भारत साव एवं उनके पिता घासीराम साव निवासी जोगी जी को थाना सराईपाली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया।